बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां स्टार्ट हो गई हैं और इवनिंग के टाइम पर या टीवी देखते समय उसे रोज कुछ न कुछ उन्हें नया स्नैक्स चाहिए। तो आज मैं बच्चों की फरमाइश पर लेकर आई हूँ झटपट बनने वाले एक ऐसे स्नैक्स की रेसिपी जो कि बच्चे बहुत पसंद करने वाले हैं। इसे बनाना एकदम आसान है और खाने में बहुत टेस्टी और देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। इसे जब आप बनाकर टेबल पर रखेंगे ना, तो मिनटों में ये स्नैक खत्म हो जाने वाला है। तो चलिए बनाते हैं क्रिस्पी पोटैटो पार्सल। तो इसके लिए यहाँ मैंने पानी लिया है 1.5 कप और इसे कढ़ाई में डालकर पानी को गर्म करने के लिए हम रख देंगे। शुगर डाला है 1 TSP और साथ ही साथ 1/2 TSP मैंने इसमें नमक डाला है। और अब मैं ऐड कर रही हूँ इसमें घी या बटर 1 टेबल स्पून। इसको अच्छी तरीके से मिलाएंगे तब तक कि हमारा घी या बटर मेल्ट ना हो जाए। जैसे मेल्ट होगा इसमें हम अपना मैदा ऐड कर रहे हैं 1.5 कप, क्योंकि हमने पानी भी 1.5 कप ही लिया था, तो इक्वल क्वांटिटी होगी यहाँ पर। अब इसको हमें अच्छी तरीके से हिलाते हुए मिक्स करना है। एक चीज़ मैं बता दूँ कि यहाँ हमारा फ्लेम जो है वो ऑफ रहेगा। तो ये देखिए अच्छी तरीके से हमने मैदे को मिक्स कर दिया। अब इसे ढककर 10 मिनट के लिए हम रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तो अब चलिए स्टफिंग की तैयारी करते हैं। कढ़ाई में मैंने लिया 1 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल, आप किसी कुकिंग ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने ओनियन डाला है चॉप किया हुआ, लहसुन डाला है 1 TSP। अच्छी तरीके से मैं मिक्स करूंगी। यहाँ ओनियन हमें लाल नहीं करना है, बस हल्का सा ये सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद मैंने इसमें नमक मिला है ताकि ये जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। अब इसमें ऐड किया है मैंने कुछ हरी सब्जियाँ, यहाँ मैंने कैप्सिकम और बीन्स डाला है और साथ ही साथ बॉइल्ड पोटैटोज को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट करके रखा था, उसे ऐड कर रहा है। अच्छी तरीके से इनको अब हम सॉटे करेंगे। अब यहाँ ऐड कर रही हूँ मैगी मसाला, जिसे कि स्वाद बहुत अच्छा आता है और बच्चों का ये स्वाद तो बहुत ही पसंद है। आप चाहे तो गरम मसाला भी इस स्टेज पे यूज़ कर सकते हैं यदि आपके पास मसाला मैजिक ना हो। तो अच्छी तरीके से भूनते हुए 1 से 2 मिनट हो। अब हम स्विच ऑफ करेंगे अपना फ्लेम और ऐड करेंगे चॉप किए हुए कोरिएंडर लीव्स और इस मिश्रण को ठंडा होने के लिए रख। तो चलिए अब हमारे डो को रेस्ट करते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसको हम हल्का सा हाथों में घी लगाकर अच्छी तरीके से एक बार फिर से हम मान लेंगे ताकि एक सॉफ्ट डो हमारा तैयार हो जाए। ये बहुत हार्ड डो नहीं होता, जैसे हमारी चपाती का डो होता है बस उसी तरह का डो हमें मानना होता है। अब इसमें से मैं एक छोटी सी लोई निकालूंगी, जैसे कि हम चपाती बनाने के लिए एक लोई निकालते हैं ना, उस तरह का एक बॉल लिया है और इसे बेलन की हेल्प से सूखा आटा लगाते हुए एक हमें चपाती के थिकनेस के बराबर एक हमें रोटी जैसा इसका बेल लेना है। तो ये हमारा तैयार हुआ। अब इसे हम पिज्जा कटर या नाइफ की हेल्प से इसके साइड्स को हम कट कर देंगे ताकि हमें इसे एक चौकोर आकार मिल जाए। ये मैंने इसके साइड्स को कट कर दिया। अब इसको मैं बीच में कट करूँगी, एक हॉरिजेंटल और वर्टिकल, और ये देखिए हमें 4 स्क्वायर पीसेस हमें मिल गए हैं। इनको अलग करेंगे। अब इसमें स्टफिंग डाला है मैंने 1 टेबल स्पून, साइड्स में मैंने लगाया है पानी, ये चारों साइड्स में पानी लगा कर, और इसको देखिए हम कैसे सील कर रहे हैं। ये यहाँ किया, ये एक इसके ऊपर डाला, दूसरी साइड से इसके ऊपर करा, फिर यहाँ से इसको ऐसे बंद करा, इसको अच्छे से टक कर दिया, अब इधर भी करा। तो ये बन गया ना हमारा, कितना प्यारा हमारा पार्सल बन गया है ना, जिसमें मम्मा का ढेर सारा प्यार है। अब इसको डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ एक लॉन्ग लगा दिया है। तो ये देखिए हमारे सभी पोटैटो पार्सल्स रेडी हो गए हैं, जिसमें मम्मा का ढेर सारा प्यार है अपने बच्चों के लिए। तो अब चलिए इसे हम फ्राई करते हैं। तो फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई में ऑयल लिया है। जैसे ही तेल गर्म हुआ, इसमें हम अपने पोटैटो पार्सल्स को डालेंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक इनको हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई करने वाले हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि बच्चों के लिए बनने वाली ये रेसिपी आज की आपको बहुत पसंद आ रही होगी। ये बनाना कितना आसान है ना, हम बड़ा फटाफट बना सकते हैं और बच्चे इसे फटाफट खाकर सफ़ेद चट भी कर सकते हैं। तो आप बताएं आप और क्या रेसिपी अपने बच्चों के लिए बना रहे, ताकि मैं भी ट्राई करूं और अपने बच्चों के लिए बनाकर उसको खिला पाऊं। तो उम्मीद है रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ रेसिपी वीडियो को लाइक कर दो साथ ही साथ
इस वीडियो को शेयर भी कर दो ताकि बाकी लोग भी इस वीडियो को देखकर ये रेसिपी को अपने घर पर ट्राई कर सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, और आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कल फिर मिलूंगी आपसे।